नमस्कार आरएस अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम डोसा, इडली, उत्तपम के साथ खाए जाने वाली पुदीने की चटनी बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है, उसमें डालेंगे 1.5 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच जीरा, इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे, इसे चला देते हैं। जब यह गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम 1 बड़ा साइज का प्याज लंबे आकार में काट के डालेंगे। इसे 2 मिनट भूनने के बाद में हमने एक इंच अदरक, 7 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कलियां डाली हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं ताकि प्याज अच्छी तरह जल्दी पक जाए। यह थोड़ा स्पाइसी होता है इसलिए हमने हरी मिर्च ज़्यादा डाला है और साथ में हम ये ताज़ा नारियल काट के डाल देंगे। ये देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें करी लीव्स डाल देंगे, 1 मुट्ठी धनिया पत्ती डालेंगे, इसे हम चलाते हुए मिला लेंगे। इसके बाद हम 2 मुट्ठी पुदीना पत्ती डालेंगे, इसमें पुदीना की मात्रा ज़्यादा डालनी है। अब इसे भी हम 3-4 सेकेंड के लिए इस तरह मिक्स करते हुए चला लेते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है। हमने इसे मिक्सी जार में डाल दिया है और इसका हमने एक पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह हमें एक बारीक पेस्ट तैयार करना है। अब हम इसमें तड़का देंगे। हमने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच राई, 1 चम्मच उड़द दाल, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे, 1 लाल मिर्च को तोड़ के डालेंगे। अब हम इसे चटनी के ऊपर डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। ये हमारी चटनी बनके तैयार है। यह स्पाइसी और टेस्टी चटनी हमारी रेडी है। इसे आप डोसा, इडली, उत्तपम के साथ खाएं, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।